लगी पहले से कितनी कूल है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं वो गोल करने वाली थी कि अचानक बीच में बिट्टू शर्मा मुझसे कहता है कि वहां देखो समोसे पड़े हैं। फिर तो फिर अरे फिर क्या, फिर मैंने वहां देखा तो वहां सच में समोसे किसी के गिरे पड़े थे। थोड़ा सा नाली से दूर से तो मेरे मन में लालच आ गया, मैं कभी कभी समोसे लेने पीछे से इसमें गोल कर दिया। जी डर मेरी तो इन्होंने बारी नहीं आने दी। तेरी बारी आती भी तो क्या कर रहा था बुड्ढन, हॉकी भी गोल्फ इधर खेल रहा था, यूं यूं करके खेल रहा, बाद में बोलता बॉल इधर रह गई गड्ढा इधर खोदो। देखिए जो भी है हमारे साथ चीटिंग हुई है। देखो अभी घर पे गेस्ट आए हैं, बहस नहीं करनी, लड़ाई कर लेते हैं। नहीं 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 लड़ाई नहीं करनी, फैसला गेम से होगा पक्का। एक स्पोर्ट्समैन आया आपके घर में तो गेम करके फैसला करेंगे। मैं बैठ के देखूंगा, मैं जज बनता हूँ, फिर मैं देखता हूँ किसने चीटिंग की है। इंटेलिजेंट गाय, अब देखना कैसे मैं उड़ उड़ के किक्के मारता हूँ। ये उड़ उड़ के किक मारेगा क्यों? भगवान को जान देनी है, तुमने तो पहले देनी है, तो सोच के बोलो। तुमने किसको देनी, कराने वाले को? सभी ने भगवान को देनी है। उसके तो पैसे देने। ये बंदा सिग्नेचर इससे होते नहीं, सिग्नेचर करता करता स्केच बना देता है। बोल उड़ के मारेगा। अबे जा। He is jealous. Let us start the competition. चलो जी स्टार्ट करें। ठीक है, जो गेम कल रह गई थी वही वही से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। दादी रहा। आई 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 हम जीतेंगे, जीतेंगे इधर। अच्छा मम्मी के बच्चों में सबसे पहले अभी क्या कंपटीशन होगा किसमें? हमारी टीम की तरफ से पिंकी बुआ। अच्छा जी, और आपके? पहले तो वो जाएगा लड़का हमारा। Excuse me. क्या मुझे जरा बोरी के अंदर जाने में हेल्प करेंगे? बाद में बैठा, इतना तो होना चाहिए। हाँ ठीक से हाँ? सुनिए एक मिनट प्लीज। हाँ बिट्टू कहाँ तक जाना है भाई? हाँ यहाँ तक आना है आपको, वहाँ तक आना है ना। बोरी में डालो अपने आपको। सुनिए एक मिनट, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अच्छा थोड़ा वहाँ तक जाने के लिए मेरी मदद करेंगे प्लीज? किसी ने पहली बार कहा मुझे। I love you. I love you. I love you. एक मिनट रुकिए, बेशरम मार हम हारे हुए लोगों से बात करेंगे। जीने जीने साहब। आजा आजा। ये कौन सी जीत है? चीटिंग है ये? कौन सी चीटिंग है? मंदिर ना, तुम्हें नहीं पता जरा चीटिंग हो रही है? सड़क पार करवानी चाहिए उसको। चलो जी कोई बात नहीं अंकल, जीरो हम लोग एक पॉइंट से। एक गेम इनकी होगी, अगली गेम कौन सी? ये लो ये क्या चमन ब्रांच फाल है। ये क्या करना, जहर लो एक चम्मच भर के खाओ। ये पकड़ो, नींबू वाली गेम करनी है। अच्छा अगर किसके मुंह से नींबू गिरा वो हार जाएगा। जाएगा कौन कौन? मैं और ये अंकल। अच्छा एक गेम और रखते हैं। हाँ। जो ये जीत गया बाजी उसकी, विनर वो। विनर वो, अब हम नींबू पकड़िए। अब होगा गेम। I love to play games. गेम ये है जी, रुमाल मैं बीच में रखूंगा, आप लोगों को आप उधर से और आप उधर से स्टार्ट करें। हाँ। दादी जाओ ना। ठीक है रुमाल मैं यहाँ रख देता हूँ और आप दोनों को ये रुमाल लेके जाना है, जो पहले ले गया वो जीत गया। जैसे किसी के पास पहले से हो तो वो नहीं जीत सकता? नहीं नहीं। अच्छा यही वाला उठाना, ठीक है। अच्छा चलो जीत के आना। शाबाश शाबाश। अगर हार गई तो उधर निकल जाना। मैं काउंट डाउन करूंगा, ठीक है? ओके बता। 3 2 1 मम्मी मम्मी
हम जीते, हमारे इससे ज्यादा कपड़ा है। नहीं जो हमारे पास भी है उतना ही है। अबे अपने पति के लिए कच्चा बनवा दे, भाग जा यहाँ से। आज मेरी सारी फैमिली कहीं बाहर गई हुई, मैं घर पे अकेला हूं। ये लोग शादी में खाना खाने गए। एक्चुअली इनविटेशन एक ही आदमी के लिए था, वो भी बाजू वाले पड़ोसी के लिए। डाकिया गलती से हमारे यहाँ डाल गया। और आपको तो दूसरे की गलती का फायदा उठाना हमसे बेहतर कौन जानता है। और वैसे भी हमारी सारी फैमिली की शक्लें ऐसी जैसे बारात में आए हो। कोई बैंड बाजा बजाने वाला लगता है, कोई झांझर उठाने वाला, कोई झुंझुना बजाने वाला। और खाने के साथ साथ पैसे भी लूट आते हैं, फायदा हो जाता है हमारा डेवलप। आपको पता भाजी, पैसे लूटना भी एक आर्ट है। नहीं तो आप देखिए 100-150 बराती नाच रहे हैं, घोड़ी पे दूल्हा बैठा और बीच बीच में निकल 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 के नोट पकड़ रहे हैं। ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। खाने में भी सेम हाल है, किसी को पता ही नहीं चलता कि किसकी पॉकेट में पॉलीथिन पड़ा हुआ और कब वो गाजर का हलवा डाल रहा है। तो मेरा खाना तो अपने आप आ ही जाएगा। तो मैं इसलिए बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन ये कोई फिल्म तो है नहीं बाजी कि यहाँ पे कोई खूबसूरत सी लड़की आएगी और आके मुझे कहेगी एक्सक्यूज मी जी जी मेरी कार खराब हो गई है। भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए। बाहर क्या है, बारिश है, अंधेरा है, और वैसे भी किसी की कार खराब हो जाने से किसी दूसरे का मूड अच्छा हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब आप मेरी कार ठीक नहीं करेंगे और सारी रात मुझे यहीं रोके रखेंगे और जब भी टाइम मिलेगा मेरे साथ रोमांस करेंगे? ये आप डर रही है कि मुझे आगे की प्लानिंग बता रही है आप? मैं प्लानिंग नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ। पूछना क्या जी, ऐसे रोमांटिक मौसम में तो लोकनाथ रोमांटिक हो जाए, मैं तो फिर भी बाई नेचर से प्रेमनाथ हूँ। तो फिर आप बताइए कि आप इस बारिश में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप सितंबर तक यहीं रुक सकती हैं? सितंबर तक क्यों? मतलब बारिश सितंबर तक चलेगी ना, उसके बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद चली जाइएगा आप। अच्छी, मुझे लगता है आपको सर्दी लगी। आप एक काम करिए, आप ये कपड़े बदल लीजिए। जी? नहीं। आप मेरी जैकेट पहन लीजिए, मैं आपकी साड़ी पहन लेता हूँ। मतलब आपके घर में कोई लेडी नहीं है? लेडी कोई नहीं है जी, लेडी कोई है ही नहीं, हम रखते ही नहीं, लेडीज नहीं रखते हम लोग। मैं सिंगल हूँ, मेरी तो दादी भी जेंट्स है। आप ना अपना बड़े मजाक किया है। मैं, लेकिन आप रोमांस में मुझे सीरियसली ले सकती हैं। जी? बात बताओ, मैं आपका नाम पूछना भूल गया, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम दिया। वाह दिया, ये अंधेरे में दिए की जरूरत थी बस, बड़ी सही टाइम पे आई है। वैसे आप इतनी खूबसूरत है, आपने कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं रखा हुआ? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन आगे का नहीं पता। वाह बिजली चली गई। आज पहली बार बिजली डिपार्टमेंट वालों पे मेरे को बड़ा प्यार आ रहा है। आप बस प्यार ही करते रहेंगे कि कैंडल भी जलाएंगे? मैं कैंडल जलाता हूँ, एक सेकंड, कैंडल जलाता हूँ मैं। कैंडल, कैंडल का क्या है, कैंडल जला लेते हैं। अच्छी कैंडल तो बस अभी एक। शर्मा जी, शर्मा जी कहाँ आओ? एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी बारिशें शुरू हो जाती हैं हमारे घर की बत्ती पता नहीं क्यों बुझ जाती है। चड्डा साहब, आपकी बत्ती तो सन 71 की बारिश में बुझ गई थी। जिनकी जल रही उनकी क्यों बुझाने आ गए आप?
नहीं 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 नहीं, भगवान आपका दिया ऐसे जलाए रखे। आप मुझे जानते हैं? आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहे हो तुम। बारिश में घास लंबी हो जाती है ये तो सुना था, पर बीवी लंबी हो जाती है ये नहीं सुना था मैंने। पर शर्मा जी ये आपकी बीवी लग नहीं रही, ये थोड़ी सी सुंदर है। ये सेक्सी लड़की कौन है जिसके साथ? ये मोमबत्ती बेचने आई थी, तो ये लो मोमबत्ती, चलो निकलो यहाँ से, चलो 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 निकल जाते हैं। एक मिनट, इससे मोमबत्ती तो जलवा ले। तुम्हारे घर की भी मोमबत्ती जला दो आप। चड्डा साहब आइए, आपको नरक तक छोड़ के आता हूँ, चलिए। नरक तक नहीं छोड़ोगे आप, स्वर्ग के मजे तो खुद ले रहे हो। खैर आप टीवी फटाफट से ऑन कर दो। अरे लेकिन बिजली नहीं है तो टीवी कैसे ऑन होगी? ये बुड्ढा है या बेवकूफ है? मैं बेवकूफ बुड्ढा हूँ।